तुम जो स्कूल टाइम में यहाँ हो तो स्कूल से निकाल दे, क्या बात है? क्यों, मतलब इस टाइम तो पढ़ाई का टाइम है स्कूल में, कॉलेज में, हिजाब हिजाब की वजह से? क्या कहा, किसने कहा, प्रिंसिपल क्या कहा? गले में पट्टी डाल के आनी है? और नहीं है, दो चोटी करके, और मतलब जो है गले में पट्टी डाल के आनी है, सर पर दुपट्टा नहीं रखना है। अच्छा, कितनी बच्चियां हैं? और ये कह दिया अगर ऐसा होगा तो कल को स्कूल नहीं आना है। जी। अच्छा, तो आज मतलब ये जो वहाँ प्रेयर होती, प्रेयर के बाद आप लोगों को निकाला वहाँ से, जी। प्रेयर में साथ सर ने बोला था कि दुपट्टे पर क्यों नहीं आना। अच्छा, ऐसा हो गया तो मतलब घर बैठो। कौन सा सर ने कहा था? प्रिंसिपल सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग फिर चले गए थे अपने पेरेंट्स को बुलाने। अच्छा, हिजाब के बारे में मैं नहीं समझता कि हिजाब क्या होता है, तो मैं तो जानता भी नहीं हिजाब क्या होता है। चूंकि बच्चे वो एक डिफरेंट तरीके से थे, तो सारे बच्चों में अगर दो चार बच्चे अगर डिफरेंट तरीके से हों तो उन पर ध्यान अक्सर बाहर वालों किसी का भी जाता है, तो उन बच्चों के लिए कहा गया था कि आप अगले दिन जब आए तो गार्जियन से बता दीजिए कि प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो उससे मैं अगले दिन ये कहता बच्चों से, उनके गार्जियन से, कि सारे बच्चे सिमिलर ड्रेस में अगर आपके आ सकते हैं तो ये बेहतर रहेगा बच्चों के लिए भी। तो अगले दिन गार्जियन आए, बात हुई उनसे, तो उन्होंने जब कहा कि हमारे बच्चे इसी तरीके से आएंगे जैसे हम भेज रहे हैं, तो मेरी कोई आपत्ति नहीं थी उस पर ना, और आज भी कोई आपत्ति नहीं है, सहमत हूँ।